नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 8 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। और इस टॉपिक के सीरीज का थर्ड वीडियो है आज का। तो आज की वीडियो में हम ई विद्वान, ई आचार्य, ई शोध सिंधु और NDL यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी पे डिस्कस करेंगे। और देखिए, काफ़ी वैल्यूएबल पॉइंट जो होंगे उसी पे डिस्कस होगा, ताकि हम 5 या 6 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखें और उसमें इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो देखिए, अगर डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, तो जो भी वर्क हायर एजुकेशन के लिए हो रहा है विथ ICT, ठीक है, जो आपका MHRD है, चाहे आपका इनफ्लिपनेट है, चाहे आपका UGC है, ओके, ये लोग जो भी प्रोग्राम निकाल रहे हैं, बना रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, चाहे वो आपका स्टूडेंट के लिए हो, चाहे स्टूडेंट के लिए ई बुक्स हो, कंटेंट्स हो, चाहे टीचर के लिए हो, चाहे टीचर की ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, ठीक है, चाहे हायर एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम आते हैं, उनके लिए कोई भी प्रोग्राम अगर बनाए जा रहे हैं, तो वो डिजिटल के थ्रू होंगे, तो वो डिजिटल पहल के अंतर्गत, डिजिटल इनिशिएटिव्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें आ रही हैं आपके लेटेस्ट, उसको भी आपको अपने कंटेंट में रखना है, अपने आपके स्टडी के कंटेंट में उनको रखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से उसका आंसर दे सकें। तो चलिए, आज की वीडियो का सबसे पहला जो है डिजिटल इनिशिएटिव ई विद्वान, ठीक है, जो बातें होंगी वो ICT के थ्रू होंगी, वो ई के थ्रू होंगी, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होंगी, ठीक है, तो ई सबके सामने लगा ही होगा। तो आज का पहला जो रहेगा इनिशिएटिव ई विद्वान, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ई विद्वान का वेबसाइट आप ओपन कर, तो देखिए, जब आप विद्वान के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये पेज दिखेगा, जिसमें ऊपर आपको लिखा होगा NMHRD प्रोजेक्ट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है, और जिसका काम, जिम्मा जो देख रहा है, वो देख रहा है आपका नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, NMEICT, ठीक है, ये हो गया। और देखिए, विद्वान के नीचे जब आप देखेंगे, लिखा रहेगा आपका एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्चर नेटवर्क, ठीक है, तो ये आपके रिसर्चर का एक नेटवर्क है, तो इसके बारे में हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, ये एक भारतीय, ये जो आपका ई विद्वान है, यह भारतीय सरकार का डिजिटल इनिशिएटिव्स है, यानी कि डिजिटल पहल है, और जिसका काम इनफ्लिपनेट यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क को दिया गया है, और फंड जो है NMEICT के द्वारा किया जा रहा है, जो फंडिंग का काम है वो कौन कर रहा है, ये देखिए आपका NMEICT, ठीक है, तो ये आपने जाना। और यहाँ विद्वान नामक एक एक्सपर्ट डेटाबेस बनाया जा रहा है, जिसमें बनाया जा रहा है या बनाया गया है, और इसमें और भी जो है इंक्रीजमेंट होती जा रही है, ठीक है, और जिसमें जो है इंडियन, आपके इंडियन और प्लस इंटरनेशनल, चाहे इंडियन होंगे चाहे इंटरनेशनल होंगे, बट वो इंडियन होना चाहिए, जो इंटरनेशनल होंगे वो फॉरेन जो लोग हैं, जो इंडिया के हैं, वो उनकी बात की जा रही है, तो वो इंडियन होंगे और चाहे इंटरनेशनल होंगे, बट वो एक्सपर्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, साइंस के फील्ड के होंगे, और इनका एक नेटवर्क बनाया जाएगा, और इनका पूरा प्रोफाइल, पूरा का पूरा प्रोफाइल वर्क डेटा इस पे होगा, और इस डेटाबेस में वो होंगे जो रिसर्च के फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, ये जान लीजिए, यानी कि वो एक्सपर्ट होंगे जो रिसर्च की फील्ड की बात की जा रही है, वो लोग इसमें ऐड होंगे, ICT के माध्यम से उनका पूरा का पूरा प्रोफाइल एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, और वो एकेडमिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं वो भी इसमें ऐड होंगे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे, इस आपके रिसर्चर नेटवर्क में, ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्चर एक्सपर्ट लोग का नेटवर्क बनेगा।
और उद्देश्य जो है, एम जो है, किसी कार्य को करने के लिए किसी एक्सपर्ट की अगर ज़रूरत होगी तो ये इस नेटवर्क पे आपको क्या करेगा, प्रोफाइल प्रदान करेगा उन एक्सपर्ट का, जिनकी सहायता से आप अपने वर्क को बेहतर कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रोजेक्ट पर आप एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं तथा किसी कार्य हो उसको करने के लिए एक्सपर्ट का आपको रिव्यू भी मिल जाएगा। रिसर्च वर्क के लिए भी एक्सपर्ट का रिव्यू मिल सकता है और इन विद्वान पर हमारे एक्सपर्ट की प्रोफाइल जो हैं, हमें जो एक्सपर्ट हैं उनकी प्रोफाइल अवेलेबल रहेगी। और जो एकेडमिक स्तर पे जो काम कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आईटीज में काम कर रहे हैं, डीआरडीओ में काम कर रहे हैं, सीएसआईआर में काम कर रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको इसमें जोड़ा गया है और जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ई विद्वान के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट में देखिए सब्जेक्ट कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से है, डीम्ड यूनिवर्सिटी से है, आपका DR&D से है, ऑर्गेनाइजेशन से है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ कैटेगरी दी गई है जहाँ से जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स है जिस पे बात हुई है। तो ये हो गया आपका ई विद्वान पे कुछ डिस्कस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए बात होगा NDL पे। ठीक है, NDL पे जो आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए MHRD दिख रही है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं जो वैल्यूएबल पॉइंट रहेगा। देखिए यहाँ पे जो है प्राइमरी से PG लेवल के जो होंगे बुक्स अवेलेबल होंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि ई बुक्स अवेलेबल होंगे और इट्स अ डिजिटल लाइब्रेरी। आपको याद रखना है कि यह एक डिजिटल लाइब्रेरी है, यह एक ऐसी लाइब्रेरी है जो डिजिटली है, जो ICT बेस्ड है, जो ऑनलाइन है और फ्री, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कोई भी पैसे यहाँ पे किसी के नहीं लगते एक्सेस करने के लिए, जो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है और जहाँ से ऑनलाइन बुक्स को एक्सेस कर आप सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन के थ्रू बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपका NMEICT जो अभी बात हुआ आपका द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT और MHRD के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। तो MHRD तो मेन है और ये NMICT के तहत इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर NDL का जो एम है वो है कलेक्ट। ओके, कलेक्ट यानी कि एकत्र करना। क्या करना है? एकत्र करना, जितना भी मटेरियल है उसको एकत्र करना, फिर प्रिजर्व करना यानी कि उसको रक्षित करना, संरक्षित करना। एंड आपका थर्ड जो है डिजेमिनेट, ठीक है, डिजेमिनेट यानी कि प्रसार करना, जिसको आगे बढ़ाना। ठीक है, तो ये हो गया इनके एम। और देखिए और यहाँ पर स्कूल लेवल से PG स्तर के प्लस आपके टेक्निकल एजुकेशन के ई बुक्स और मटेरियल उपलब्ध किए कराए जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे। और आपका इट फॉर इंडियन सिटीजन, ठीक है, तो ये इंडियन सिटीजन के लिए है, टू प्रोवाइड कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपके 72 लाख से ज़्यादा डिजिटल बुक्स ई बुक्स अवेलेबल हैं और आपके 15 लाख लोगों से ज़्यादा जो हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे ऐड हैं ऑलरेडी। और यह ये आपका जो NDL है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है, ये आपके मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा जाना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं ई शोध सिंधु पे कि ई शोध सिंधु क्या है। ठीक है, तो देखिए ये भी MHRD का ही एक डिजिटल इनिशिएटिव है, पहल है। और यह रिसर्चर के लिए एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, जहां पर सभी रिसर्च से संबंधित मटेरियल यानी कि जो जर्नल्स हैं, आर्टिकल हैं,
वो मटेरियल आदि यहाँ पे उपलब्ध होंगे आईसीटी के थ्रू, ओके, यानी कि ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे, और जिसके लिए एमएचआरडी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने यूजीसी आपका इन्फोनेट INFONET, ठीक है, इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्डियम और प्लस आपका NLIST, ठीक है, और प्लस आपका INDEST और आपका AICTE कंसोर्डियम को मर्ज किया आपस में, ठीक है। तो आपका MHRD ने UGC, इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी प्लस आपका NLIST प्लस आपका INDEST, AICTE को आपस में मर्ज करके ई शोध सिंधु को डेवलप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे LIST का फुल फॉर्म है आपका नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलर हैं उसकी बात करें, स्कॉलरली कंटेंट, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर जनरल जो हैं, यहाँ पे जनरल्स के जो हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध थी, तो इसको भी ऐड कर दिया गया है। और फिर आपकी बात की है हम INDEST, यानी कि आपका इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हम बात किए हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, तो इन तीनों को मर्ज करके ई शोध सिंधु को डेवलप किया गया है, बनाया गया है। और बता दें कि यह तीनों की जो डिजिटल संग्रह है वो ई शोध सिंधु पे उपलब्ध करा दिया गया है, यानी सभी का संग्रह एक जगह पे बना दिया गया है। और यहाँ पर 15,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स के साथ ई बुक्स भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे रिसर्च स्कॉलर को फ़ायदा होगा, जिससे उनका रिसर्च वर्क बेहतर होगा। और इनफ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क आपका गांधीनगर इसकी देख रेख कर रहा है, और जो भी UGC के ये लीगली कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी जो होंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पे सूचनाओं के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए जो भी डेटा अवेलेबल है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके रिसर्चर जो हैं वो इसके सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, जो लीगली तौर पे जो UGC के कॉलेज हैं उनकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा ई शोध सिंधु के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट है आपका ई आचार्य के बारे में अब जानते हैं। देखिए ये MHRD की इनिशिएटिव्स है, यानी कि MHRD का ही एक डिजिटल पहल है, और यह MOOC के तौर पे जितने भी प्लेटफॉर्म हायर एजुकेशन के लिए या अदर के लिए बनाए जा रहे हैं उनके कंटेंट जो होंगे ना यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जैसे स्वयं की बात किया जाए तो स्वयं के कंटेंट्स ETC ऐसे जितने भी प्लेटफॉर्म या UGC MOOC जो है उसका जो है प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के ऐसे जो MOOC के तौर पर बनाए जा रहे हैं, डेवलप किए जा रहे हैं, उनके मटेरियल्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे, मेन ये चीज़ है, ठीक है। और इसको नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, जो ई आचार्य है इसका सेकेंडरी नेम है, हम उसको जानते हैं नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल, ठीक है, और या इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल के नाम से हम जानते हैं। तो तीन नामों से हम इसको जान रहे हैं, एक ई आचार्य, सेकेंड नेशनल इंटीग्रेटेड पोर्टल या इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल, और जो NMEICT के अंतर्गत विकसित किया गया है, ठीक है, NME यानी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT के द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। और यह एक ऐसा पोर्टल है, ये ऐसा एक मंच है, एक ऐसा एक संग्रह है, एक ऐसा एक कोर्स है जहाँ पर ई कंटेंट्स यानी ई बुक से संबंधित सामग्री उपलब्ध रहेंगे। और यह संग्रह कोर्स जो इन्फ्लिबनेट गांधी नगर के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, यहाँ सभी सूचनाओं को लोग यहाँ पे देख सकते हैं 24/7। और NIOS
और एनसीईआरटी सामग्रियों के संग्रह को उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। जो कॉलेजेस होंगे, जो यूनिवर्सिटी होंगी, उनके द्वारा जो सामग्री लाने का व्यवस्था करने का काम जो कर रही है वो आपका NIOS NCERT कर रही है, और सभी सामग्री को जोड़ा जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, और जितने कॉलेज हैं उनके सामग्री को यहाँ जोड़ा जा रहा है। और ई आपका आचार्य भी 24/7 जो है 24 घंटे आपके और सातों दिन जो है यहाँ से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट का। और देखिए जो डेटा सेंटर है वो भी 24/7 वर्क करता है, फिजिकल जो डेटा सेंटर है वो इनका दिल्ली में उपलब्ध है, और यह क्लाउड बेस्ड भी है। ओके, क्लाउड बेस्ड यानी कि ऐसा स्पेस जो सर्वर पे रहेगा और वहाँ पे वहाँ के द्वारा आप कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ई आचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसके अदर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम जल्दी ही लाएंगे, और नहीं तो अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें तो बेहतर होगा। देखिए एक आपका है ई विद्यामित्र, तो इसके बारे में भी हम आगे बता देंगे, या आप इसके बारे में स्टडी कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो देखिए आज के वीडियो में हमने जाना कि ई विद्वान, ई आचार्य, ई शोध सिंधु और NDL ठीक है क्या है, और इसके पहले भी हमने आपको स्वयं के बारे में बताया, स्वयं प्रभा के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही साथ हमने आपको बताया था ई पाठ्य के बारे में, हमने आपको बताया था कि आपका ई PG पाठशाला क्या है, ठीक ए ई आपका अध्ययन क्या है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस हुआ था। साथ ही साथ हमने जाना था कि आपका NED क्या है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी क्या है, तो इन सब डिजिटल इनिशिएटिव्स पे चर्चाएं हो चुकी हैं, और आगे भी जो इम्पोर्टेंट होगा उस पे डिस्कस होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।